नमस्कार दोस्तों, सी एस सी वी हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको पीरामल फाइनेंस लोन सर्विस के बारे में, जो कि अवेलेबल है सी एस सी पोर्टल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरामल फाइनेंस की और उसमें कौन कौन सी सर्विस है और कैसे आप इसके साथ जुड़ेंगे, कैसे आप इसमें लीड क्रिएट करेंगे, कैसे आप लीड को ट्रैक करेंगे और कितना मिलेगा आपको इसमें कमीशन, कितना देना होगा आपके कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारी चीज़ें जानेंगे एक एक करके इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं हम पीरामल फाइनेंस के लोन प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे नॉर्मली तीन तरह के लोन हैं। ये पूरा ही जो है वो सिक्योर लोन पे काम करता है पीरामल सी एस सी के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे होम लोन है, मॉर्गेज लोन है और प्रॉपर्टी लोन है, तीनों ही सिक्योर लोन है, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होम लोन क्या है। होम लोन है कि मान लीजिए कि आप फ्लैट या फिर घर खरीदने के लिए या फिर बनवाने के लिए या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग घर है, आप उसे रिनोवेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, अल्टर कुछ करने के लिए या फिर सिंगल फ्लोर का, डबल फ्लोर का करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो होम लोन में काउंट होगा, वो होम लोन के अंदर में आएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मॉर्गेज लोन। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी घर या शॉप वगैरह है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है और उसके पेपर को आप एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रख के अगर आप अपने बिजनेस या फिर पर्सनल नीड के लिए लोन ले रहे हैं तो ये मॉर्गेज लोन में आएगा, ठीक है। इसके अलावे घर या फिर दुकान, घर खरीदने के लिए या फिर दुकान या ऑफिस खरीदने के लिए या फिर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदने के लिए अगर आप ये लोन ले रहे हैं तो इसे प्रॉपर्टी लोन बोला जाएगा, ठीक है। ये तीन तरह के लोन हैं जो कि पिरामल में आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लोन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसे जो पूरा करेगा उसे ही लोन मिलेगा, जो पूरा नहीं करेगा उसे वो कंपनी लोन नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि होम लोन, मॉर्गेज लोन, इसमें लोन अमाउंट जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम देखा जाता है कि ये आदमी कैपेबल है कि नहीं है उस 10 ईयर में उस लोन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मॉर्गेज या फिर होम लोन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्या, आपकी इनकम। सैलरी है तो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है कि नहीं, सैलरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सबसे इजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सैलरी अगर 10 से 12 हज़ार रुपये भी सैलरी है किसी की तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। नॉर्मली 12 हज़ार, 12.5 हज़ार से ऊपर सैलरी है तो उसे यहाँ पे लोन मिल जाता है पिरामल में, ठीक है। अगर आपके पास बिजनेस है लेकिन आपके पास ITR वगैरह नहीं है, लेकिन आपके पास दुकान या फिर ऑफिस है जो फिजिकली अवेलेबल है, वहाँ पे जाके वेरीफाई किया जा सकता है कि ये दुकान आपकी है कि नहीं है, चल रही है कि नहीं, कितना सेल जनरेट होता है वो, तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। पेपर उतना मैंडेटरी नहीं है, बस फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए कि आप होना चाहिए, मतलब दुकान पर जाए तो आप वहाँ दुकान पर हो, ये आपका दुकान है वो आजू बाजू से वेरीफाई करने पे पता चल जाए, इतने से ही आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद छोटे शहरों में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी तो है लेकिन वो सैलरी कैश में मिलती है, अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, तो वो लोग भी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे और उन्हें लोन यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो एकदम आसान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनकी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉग इन कर लेना है और उसके बाद अपने सर्विस वाले मेनू पे चले आना है और यहाँ पे जाके सर्च कर लेना है लोन, ठीक है। जैसे ही आप लोन लिखेंगे यहाँ पे लोन बाजार की सर्विस आपको ऊपर ही दिख जाएगी, हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद लोन बाजार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्या करना है हमें, VLE लॉगिन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। VLE लॉगिन सेलेक्ट करने के बाद हो सकता है कि आपसे ID और पासवर्ड मांगे, तो अपने CSE ID और पासवर्ड के माध्यम से आप एक बार फिर से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप चले आएंगे लोन बाजार के होम पेज पे और यहाँ पे आके आपको लोन प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही लोन प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अलग अलग लोन की बहुत सारे स्कीम आपको दिख जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं पिरामल की, तो हम बात कर रहे हैं होम लोन और प्रॉपर्टी लोन की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि होम लोन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी लोन का भी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास होम लोन का कस्टमर है, होम लोन का लीड बनाना चाहते हैं तो आप होम लोन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास लैप है यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर मॉर्गेज लोन है तो आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो हम मॉर्गेज लोन पर क्लिक करते हैं
और यहाँ पे देखिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आ गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं, पिरामल का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पिरामल फाइनेंस, इसके जस्ट बाजू में अप्लाई नाउ का बटन है और उसके बगल में डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से अगर आप कंपनी के ब्रोशर वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके कंपनी की ब्रोशर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लीड बनाना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई लोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिरामल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेस लोन का पेज यहाँ पे ओपन हो गया। इसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लीड बनाएंगे, अपनी लीड को सबमिट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी वेरीफाई करना है। जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ये नीचे का जो पार्ट है वो इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे आप कुछ लिख पाएंगे। तो भरना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर मेल है कि फीमेल है, स्टेट चूज करनी है और लोकेशन पे चले आना है। ये लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोकेशन का मतलब ये नहीं कि आप किस लोकेशन पे हैं, लोकेशन का मतलब ये है कि पिरामल के किस ऑफिस लोकेशन पे, कौन से ऑफिस से आप ये लोन का लीड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्टेट चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लोकेशन एक लिस्ट में कॉम्बो में चला आएगा, आपको वहाँ से एक लोकेशन चूज़ करनी है। नॉर्मली ये जो लोकेशन है, ये पिरामल ऑफिस के ब्रांचेस होंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो सिटी है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, वो इस लिस्ट में न भी हो, ठीक है, लेकिन आपको जो नियर बाई लोकेशन है उसे चूज़ कर लेना है। मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें नहीं है, आपके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो उस लिस्ट में से चूज़ कर लेना है सबसे नज़दीकी डिस्टेंस पे कौन है, ठीक है, जो ऑफिस है उसे आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद चले आना है पिन कोड में, पिन कोड में भी आपको वैसे ही कॉम्बो मिल जाएगा, तो आपको माउस के मदद से थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाके आपका जो पिन कोड है, कस्टमर का जो भी पिन कोड है, उसे यहाँ पे चूज़ कर लेना है आपको, ठीक है। फिर चले आ रहे हैं ऑक्यूपेशन टाइप पे, ऑक्यूपेशन क्या है कस्टमर का, जो भी ऑक्यूपेशन है उसे चूज़ कर लेंगे। लोन अमाउंट यहाँ पे हम एंटर कर देंगे और क्या करेंगे, एम्प्लॉय कोड। ये एम्प्लॉय कोड क्या है कि पिरामल के वो एम्प्लॉय हैं, सेल्स के एम्प्लॉय हैं, जो आपको सर्विस देंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास वो कोई ऑलरेडी पिरामल का एम्प्लॉय टच में है, उसकी एम्प्लॉय कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके पास पिरामल के किसी का कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है, तो आप नॉर्मली विदाउट एम्प्लॉय कोड यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये कुछ इस तरह से पेज आपके सामने चलाएगा, ये लीड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लीड बन गया है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सक्सेस, यहाँ पे लीड नंबर, मैसेज, डेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिलो मेंशन पिरामल एम्प्लॉय फॉर टाइमली रिस्पॉन्स। तो आपका जो लीड है वो कौन से पिरामल एम्प्लॉय को असाइन हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। आरएम का नंबर, नाम और आरएम का कॉन्टैक्ट नंबर, बीएसएम का नाम और बीएसएम का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको लीड बनाने के बाद क्या करना है कि उनको कॉल कर लेना है कि सर मैंने ये लीड बनाई है और ये इनका प्रोफाइल है, ऐसे ऐसे है, आगे क्या करना है अब बताइए, गाइड कीजिए, जो भी आप उनसे बात कर लें, ठीक है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ लीड बनाने का है, आप लीड बना के छोड़ दें और जो पिरामल के एम्प्लॉय है उससे और कस्टमर से एक ब्रिज की तरह आप बन के रहें, ताकि जो भी कोई कम्युनिकेशन हो तो आप प्रॉपर कन्वे कर पाएँ। और आपका काम सिर्फ लीड बनाना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट कलेक्शन, वेरिफिकेशन वगैरह जो प्रोसेस है सारा वो पिरामल के एम्प्लॉय आपके एंड में करेंगे, आपके बिहाफ में करेंगे, और जैसे ही लोन डिसबर्स हो जाएगा आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। तो ये तो क्या लीड, अब लीड ट्रैक करने के लिए क्या करना है, ऊपर ये जो आप रिपोर्ट का सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर रिपोर्ट वाले मेनू पे आपको आना है, ठीक है। रिपोर्ट पे आके आपको चले जाना है लीड डेटा पे, ठीक है। लीड डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन चले आएंगे, आपको फिर आना है पिरामल वाले पे और क्लिक करना है पिरामल प्रोडक्ट लीड। जैसे ही आप पिरामल प्रोडक्ट पर लीड पर क्लिक करेंगे, पिरामल कंपनी की जिसने जितनी आपने लीड बनाई है सब एक एक करके यहाँ पर ऊपर ही आपको दिख जाएंगी। आपको क्या करना है कि ये एक्शन बटन जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में, क्लिक स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आपका पर्टिकुलर लोन है, लीड है, इसके ये कौन से स्टेज में है, अभी इसकी स्टेटस क्या है, तो ये आप देख पा रहे हैं ऊपर लीड नंबर दिखा रहा है, स्टेटस क्या है, कैंसिल है। तो ये जो मेरा लीड है, ये लोन लीड है, ये कैंसिल हो चुका है, मतलब इसके लिए अब मुझे कुछ कमीशन वगैरह नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक है, इसका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियली सेंसर, मतलब ये अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है,
फाइनेंशियल सेंसर का मतलब ये है, सेक्शन का मतलब ये है कि इसे बाय पेपर देख के उनको लग रहा है कि इसे लोन दिया जा सकता है, तो फाइनेंशियल सेंसर हो गया है, ये वेरीफाई अभी हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये लैंड जनरेटेड, एलियन जनरेटेड, इसका मतलब है कि ये जो लोन है ये फाइनली डिसबर्स हो चुका है, मतलब ये पैसा जो है कस्टमर के खाते में चला है, ये लोन उसे मिल चुका है। अब ये जो है लैंड जनरेटेड, इसी के लिए मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो लीड बन गया, जो लीड डिसबर्स हो गया, उसके लिए ही कमीशन मिलेगा। अब कमीशन कितना मिलेगा इसके बारे में हम जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपके पास ये जो पेज है, ये लोन प्रोडक्ट वाला पेज है, ये नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? तो हो सकता है कि आपने बहुत दिन से इस पर लॉगिन नहीं कर रखा है, तो आप जब भी लोन बाजार वाले पेज पर लॉगिन करते होंगे CSE ID के साथ, तो आपको कुछ इस तरह से वेलकम सर्वे फॉर्म आ जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये कुछ नहीं करना है, ये सर्वे फॉर्म प्रॉपर फिल कर देना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी होगी, आपको कैटेगरी चूज करना है, जनरल SC है, ST है, OBC है, फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं है वो सेलेक्ट कर लेना है, और फिर सेकंड पार्ट पे आ जाना है, VAC सेंटर इन्फॉर्मेशन, आपके जो CSE की एड्रेस है, जो शॉप की एड्रेस है, उसे यहाँ पे डाल देना है। तीन चार क्वेश्चन है, आराम से पढ़ के चूज कर लेना है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो डालेंगे वो परमानेंटली CSE में अपडेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक सर्वे का फॉर्म है। मान लीजिए कि कॉन्टैक्ट का फॉर्म, इस फॉर्म में आप अपने इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इसके हिसाब से CSE वाले या फिर जो CSE लोन बाजार की टीम है, वो आपसे इस सर्वे फॉर्म के हिसाब से आपका इंटरेस्ट जान के आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक। तो इसे आपको आराम से फिलअप कर लेना है एक एक पढ़ के, और नीचे यहाँ पे इंटरेस्टेड बैंक एंड प्रोडक्ट सर्विस, तो यहाँ पे दो तीन बैंक का नाम डाल देना, जैसे आप पिरामिड डाल सकते हैं, एक्सिस डाल सकते हैं, HDFC डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डाल देना है, जैसे आप डाल सकते हैं कि होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, वो वगैरह डाल सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद ये मॉडल सेंटर बनाना चाहते हैं, यस और नो वो कर दे, ठीक है। और नीचे फिर आप BC है कि नहीं है वो चूज़ कर ले, और यहाँ पे जो भी है, कौन कौन आपके पास आता है जाता है, किससे कितना रिलेशन है, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भर दें, और थोड़ी सी आपकी डिटेलिंग कर दें, एक दो लाइन यहाँ पे लिख दें कि आप लोन में काम करना चाहते हैं, लोन के पास आपके पास लीड है, आपने एक्सपीरियंस है, जो भी है इसमें डाल दें, और नीचे स्क्रॉल करके फाइनली सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो लोन बाजार का जो एज यूजल पेज है, जो मेरा शो हो रहा था, वैसे आपका शो होने लगेगा, इसके बाद आप लीड वगैरह बना पाएंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। कस्टमर अगर लोन लेता है, पिरामिड में लोन अप्लाई करता है, तो उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो होम लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका शुरू होता है 9.75% से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से शुरू है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप किसी को कमिट ना करें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम कितना वेरीफाइड है, आपका प्रॉपर्टी कितनी जेन्युइन है, आपका सिविल स्कोर कैसा है, इसके ऊपर ये लोन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करेगा। हो सकता है किसी का 9.75 आए और किसी का 12% आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मॉर्गेज लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है 12% से, प्रॉपर्टी लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस से शुरू होता है 9.75% से। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कस्टमर पे करेगा अगर वो लोन लेता है तो, ठीक है। इसके बाद आपको लीड बनाने के लिए अगर लोन डिसबर्स हो जाता है, तो आपको एज ए VLE कितना कमीशन मिलेगा? तो यहाँ पे होम लोन में VLE का कमीशन, मतलब कंपनी का कमीशन है 0.5%, मॉर्गेज लोन में 0.7%, प्रॉपर्टी लोन पे 0.7%। ये पूरा 0.5% या 7% VLE को नहीं मिलेगा, यहाँ पे 80-20 की शेयरिंग होगी, 20% CSE SPV टीम के पास चला जाएगा, और रेस्ट अमाउंट 80% जो है वो VLE को मिलेगा, ठीक है। तो VLE का कमीशन कितना है? 0.5%, 0.7%, और इसका ये जो परसेंटेज है, इसका 80% VLE को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया पिरामल फाइनेंस के बारे में। तो अगर आप भी अपने सेंटर पे लोन का काम करना चाहते हैं, या फिर अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है पिरामल फाइनेंस का। यहाँ से आप काम करके एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो, आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा, तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।